हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता, नम्रता कुकिंग डायरी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपसे मालपुआ की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसे हम गेहूं के आटा से बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी होता है गेहूं के आटा से बना हुआ मालपुआ और बहुत टेस्टी भी होता है इस तरह से बनाने से। तो एक बार ट्राई जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप आटा और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी। मिल्क पाउडर डालेंगे इसमें 1/2 कप। मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और हम इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा 1/2 कप डालेंगे। और इसमें डालेंगे काजू और बादाम। यहाँ पे 8-10 काजू लिया था हमने, जिसको बारीक क्रश कर लिया है। अब इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें दूध डालेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे दूध डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। दूध हमें एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो लम्स आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा रख करके डालेंगे। ये देखिए, ये अभी बहुत गाढ़ा है, तो और दूध डालेंगे हम इसमें। लास्ट में मैं बताती हूँ कितना दूध लगा टोटल इसमें। और यहाँ पे हमने लिया है केसर वाला दूध। केसर को हमने दूध में डाल करके भिगो करके रख दिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, या इसके जगह पर आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। ये देखिए, हमारा घोल जो है रेडी है। अब हम इसको ढक करके रख देंगे लगभग 1 घंटा के लिए। तब तक हम चाशनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई रखा है गैस पे। इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी और साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 कप पानी। जितना हमें चीनी लेना है उतना ही पानी डालना है इसमें। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और पकाएंगे लगभग 5 से 10 मिनट में ये बनके तैयार हो जाएगा। 5 से 10 मिनट हम इसे पका लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। ये देख सकते हैं, चीनी जो है हमारा मेल्ट कर गया है। अब हम इसमें डालेंगे केसर और डालेंगे हम इसमें 3 इलायची। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम कलर के लिए डालेंगे 1 ड्रॉप येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं इसे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। लगभग 5 से 7 मिनट हमने इसको पका लिया है। इसमें हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाए। ये देखिए, हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा चाशनी जो है बनके तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इधर हमने जो बैटर बना करके रखा था इसको चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, सूजी के कारण ये कितना टाइट हो गया है। इसमें हम और दूध डालेंगे। दूध डाल करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस घोल को बनाने में हमको टोटल 2 कप दूध लगा है, यानी कि 1/2 लीटर दूध लगा है इसमें। तो हम पुआ बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने फ्राई पैन में तेल गर्म होने रखा है। यहाँ पे आप घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। तेल को चेक कर लेंगे गर्म हुआ है या नहीं। बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है तेल, इसमें मीडियम हॉट रहेगा। 1 चम्मच की सहायता से हम डाल देंगे इसमें पुआ को। एक बार में 2 से 3 आ जाएगा इसमें, तो 2-3 पुआ हम डाल देते हैं इसमें। टोटल 4 आ गया, 4 डाल दिए हम। अब इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। आप देख सकते हैं ये साइड से ब्राउन हो गया, इसको पलट देते हैं। दोनों तरफ से हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे।
ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसको डालेंगे चाशनी में। एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा उसको हम निकाल देंगे। तो सारे पुआ को हम निकाल करके डाल देते हैं चाशनी में। इसको अच्छे से डिप कर देंगे और 5 मिनट के लिए लगभग छोड़ देंगे, तभी ये चाशनी अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगा और टेस्टी बनेगा, ये सॉफ्ट बनेगा तभी ये। सेम प्रोसेस से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। इसे भी हम निकाल करके डाल देंगे चाशनी में। पहले से जो हमने डाल करके रखा है उसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितना जूसी लग रहा है। सारे पुआ हमने बना करके तैयार कर लिए। इसके ऊपर से थोड़ा सा चाशनी डाल देंगे ताकि और भी ये टेस्टी लगे। ये आप देख सकते हैं कितना जूसी लग रहा है। मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए आप कितना टेस्टी है, ये देखने से ही बहुत टेस्टी लग रहा है। तो इस होली एक बार ट्राई जरूर करें इस रेसिपी को, बहुत ही टेस्टी बना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।